मराठी युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने 12 जुलाई को नई मुंबई में मराठी उद्योजकता दिवस मनाया जाएगा। सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। सैटरडे क्लब के चेयरमैन अशोक दुर्गाड़े ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मराठी युवक शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। 12 जुलाई को नई मुंबई में मराठी उद्योजकता दिवस आयोजित किया गया है, जहां केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे मुख्य अतिथि होंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए SCGT के चेयरमैन अशोक दुगाड़े, संतोष पाटिल और अतुल अत्रे ने बताया कि उद्योजकता दिवस समारोह का आयोजन सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट की वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है, जिसका उद्देश्य मराठी युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है, ताकि वे खुद नौकरी देने वाला बन सकें। समारोह में मशहूर उद्योगपति मनोज पाटिल एवं रामदास माने भी आमंत्रित किए गए हैं, जो अपने सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। आइए सुनाते हैं पदाधिकारियों ने और क्या कुछ कहा। जो परिषद है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र में से जो उद्योजक है, जो उद्योजक बढ़ाना चाहते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में आए और उस कॉन्फ्रेंस में से भाग ले, क्योंकि वहाँ हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 1000 उद्योजक ऑल ओवर महाराष्ट्र से वहाँ पधारेंगे। वहाँ आने के बाद उनका नेटवर्किंग होगा। वहाँ के जो प्रमुख पाहुणे हमारे जो है, जो केंद्रीय मंत्री है नारायण राणे जी है, जो इस विभाग के मंत्रालय उनके पास है, वो भी इस विषय में जो उपस्थित उद्योजकों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। जो उद्योजक सैटरडे क्लब के मेंबर्स हैं और जिन्होंने शुरू में ऑटोमेशन में काम चालू किया और अभी ऑटोमेशन में और इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्हें मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू किया, उनकी यशोगाथा क्या है, उन्हों किस तरह से उनको सामना करना पड़ा, जो भी डिफिकल्टी आती है वो फेस करके यश कैसा मिला उनको, ये एक है। सेकंड उद्योगपति उद्योजक जो है वो माने, जो उन्होंने भी उनका जो टॉयलेट्स का जो प्रोजेक्ट है वो आउट ऑफ इंडिया भी उन्होंने जा के चुके हैं, वहाँ भी उनको सक्सेस मिला, इतना एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी उनका अवेलेबल है। तो किस तरह से वो ऊपर आए, किस तरह से उनने बिजनेस संभाला, ये जो अनुभव के बोल है, पुस्तकी ज्ञान और अनुभव के बोल, उसमें फर्क पड़ता है। वो अनुभवी बोल स्टेट पे उनके मुंह से अगर आपको सुनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योजकों को प्रभाव मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टिप्स मिलेंगे। और मतलब यही हमारी इच्छा है कि एक एक का साझा करो, अवगे हो श्रीमंत, एक के साथ आके जो आगे वाला है उसको हाथ दे के उसको ऊपर उठाओ और आगे चलो, यही हमारी संकल्पना है। के रूप में नामदार नारायण राणे जी जो केंद्रीय मंत्री हैं MSME विभाग के, वो आ रहे हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि MSME सेक्टर में बहुत सारे स्कीम, छोटे उद्योग हैं जो एकदम सूक्ष्म उद्योग है, उनको बहुत सारे स्कीम का जानकारी इस माध्यम से होगी। राणे साहब की भी इच्छा है छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको सबको उनके मंत्रालय से ज़्यादा फायदा हो। और एक सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट एक इस रूप में एक माध्यम अभी बन चुका है कि जिस माध्यम से हम मराठी जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके पास हम जा सकते हैं। और हमें विश्वास है ये जो हमारा दिन, हम मराठी उद्योजकता दिन हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके थ्रू मराठी उद्योग जगत को इसका लाभ जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।